उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने गुरुवार को शहर के टाउन हॉल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। यहां करीब 87 एनसीसी कैडेट्स ने गांधी प्रतिमा को पानी से साफ किया। इसके बाद परिसर में पड़ा हुआ कूड़ा करकट हटाने के साथ कचरा हटाया, करीब एक घंटे तक श्रमदान किया। इसमें प्राचार्य राजेंद्र पाटीदार ने भी सहभागिता निभाई। 9 एमपी बटालियन एनसीसी ऑफिसर मुरली खोड़े ने बताया कि उक्त श्रमदान एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। यह कार्यक्रम सप्ताह भर चलेगा। 75वें एनसीसी दिवस को समर्पित श्रमदान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को महापुरुषों के स्मारकों की साफ सफाई की गई। इसके बाद शुक्रवार को उत्कृष्ट स्कूल परिसर में श्रमदान किया जाएगा। रविवार को गरिमामय तरीके से एनसीसी दिवस मनाया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। 9 एमपी बटालियन एनसीसी इंदौर के पत्रानुसार एनसीसी डे 26 नवंबर को नवंबर के आखिरी सप्ताह रविवार को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 21 से लेकर के 26 तक सफाई अभियान, कोई भी नेशनल हीरो जो मतलब महापुरुष होते हैं उनकी साफ सफाई आदि कार्य हमको यहां पर सौंपा गया 9 एमपी बटालियन की तरफ से। और हमारे प्राचार्य महोदय श्री राजेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थी, करीब 100 विद्यार्थी एनसीसी कैडेट यहां पर सफाई अभियान में लगे हुए हैं और पूरा साफ करके और महापुरुष के चित्र को पूरा साफ करके हम यहां से रैली बना करके वापस स्कूल जाएंगे। क्या नाम सर आप? मुरलीधर खोड़े, एनसीसी ऑफिसर, 9 एमपी बटालियन इंदौर। Subscribe now to most exciting channel ever.